आज बना रहे बहुत ही टेस्टी वेज आलू टिक्की सैंडविच। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार जरूर बना करके देखें, चाहे टिफिन में रखें, नाश्ते में बनाएं, बहुत ही यमी बनता है, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं वेज आलू टिक्की सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मतलब सबसे पहले आलू टिक्की बनाएंगे। आलू टिक्की बनाने के लिए उबले हुआ आलू लिया है, एक मीडियम साइज का आलू है उबाल लिया था और मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कटी हुई पत्ता गोभी, प्याज डालेंगे, हरी मटर डालेंगे, गाजर डालेंगे। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून के करीब डाली है। हरी मिर्च डालेंगे 1 टी स्पून और सभी चीजें आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे टेस्ट के अनुसार, नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। कॉर्नफ्लोर डालेंगे या अरारोट डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आपको थोड़ा सा पतला लगता है घोल मिक्सचर तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू टिक्की को। आप इस आलू टिक्की से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं और आप टिक्की की शेप दे लेंगे। जैसे आपकी ब्रेड हो, साइज हो, उस हिसाब से आप ब्रेड मतलब आलू टिक्की को बना लें, चाहे लंबे शेप में चाहे गोल शेप में। तो ये आपके ऊपर है, आप आलू टिक्की को हल्की सी शेप दे लेंगे इस तरीके से घी लगा करके हाथ पे और अब तवे पर सेक लेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं तवे पर सेक रही हूँ थोड़ा सा ऑयल डाल करके। और दोनों तरफ से जब तक गुलाबी नहीं हो जाती है, अच्छी तरीके से सेक ना जाए, तब तक आलू टिक्की को सेक करके रखेंगे। आप चाहे तो इसको फ्रेंकी में भी लगा सकते हैं, जैसे रोटी घर पे बची हुई रोटी होती है, पराठा होता है, उसमें हल्की सी मेयोनीज लगाएं, टमाटो केचप लगाएं और ये आलू टिक्की लगा करके इसके ऊपर थोड़ा सा पत्ता गोभी सलाद वगैरह डाल करके आप सर्व कर सकते हैं, चीज डाल करके सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से आलू टिक्की सिक गई है, अब प्लेट में निकाल लेंगे। सर्व करने के लिए, सैंडविच सर्व करने के लिए मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, चीज, मक्खन, हरी चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला लिया है। आप चाहें तो सैंडविच मसाला डाल सकते हैं, मेरे सैंडविच मसाले की रेसिपी यूट्यूब चैनल पर है। ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर पहले मक्खन लगाएंगे, फिर चटनी लगाएंगे हरी चटनी। अब सैंडविच जो टिक्की बनाई है सैंडविच के लिए वो लगा देंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च। तो अब दूसरी ब्रेड रखी है, मैंने 3 ब्रेड का सैंडविच बना रही हूँ। इस तरीके से दूसरी ब्रेड के ऊपर भी मक्खन लगाएंगे, चटनी लगाएंगे। ये देखिए मैंने चीज के स्लाइस भी लगाए, अगर चीज नहीं लगाना चाहते हो तो चीज ना लगाएं। अब सभी चीजों को लगा देंगे, सभी सब्जियों को, प्याज को लगा दिया ये देखिए, और बहुत ही यम्मी बनता है, हर किसी को पसंद आता है। तो आप एक बार जरूर बना करके देखें और कमेंट करें। खूब सारी मैंने टमाटर वगैरह लगाया है, शिमला मिर्च लगाई, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और मक्खन के जो ब्रेड है तीसरी उसके ऊपर भी मक्खन लगाएंगे और उसके ऊपर भी चटनी लगा देंगे। चटनी लगा करके इस तरीके से रख देंगे ब्रेड को। अब ऊपर से सेकने के लिए भी थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। आप चाहे तो इसको ग्रिल टोस्टर में सेक सकते हैं, चाहे तो तवे पर सेक सकते हैं। मेरे पास सैंडविच टोस्टर है, इसमें सेक रही हूं मैं। आप अपने हिसाब से सैंडविच को सेक सकते हैं और इस तरीके से सैंडविच को सेक लेंगे। सैंडविच सेक करके तैयार हो गया है। आप चाहे तो 4 पीस में कट करके सर्व करें, चाहे 2 पीस में। देखिए एकदम गुलाबी हो गया, बहुत ही अच्छा सैंडविच बन करके तैयार हो गया है। और ये बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सबको बहुत पसंद आता है, हेल्दी भी है। आप चाहे आटे वाली ब्रेड ले सकते हैं इसकी जगह, आप चाहे तो बर्गर भी ले सकते हैं, सेम तरीके से बर्गर बना सकते हैं। देखिए कितना यमी सैंडविच बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आ रहा है ना मुंह में पानी देखते ही, यम्मी यम्मी सैंडविच बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही यम्मी सैंडविच है, आप एक बार जरूर बना करके देखें।